स्वागत है दोस्तों आपका एनके क्लासेस में। पिछले वीडियोस में हमने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखे थे। इस क्लास में हम बेंडिंग स्ट्रेस देखेंगे कि बेंडिंग इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है। सो बेंडिंग स्ट्रेस में जब भी हम बीम पे लोड लगाते हैं तो होता क्या है कि बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। अब किसी भी बीम पे हम एक्सटर्नल लोड्स लगाते हैं तो उन लोड्स के कारण क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है। अब जब बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है तो उसको रजिस्ट करने के लिए बीम में इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होती है। तो लोड के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ, मोमेंट, और मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई। तो वो जो इंटरनल स्ट्रेस होती है जो कि बीम में प्रोड्यूस होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस। सो व्हेन ए बीम इज लोडेड विद एक्सटर्नल फोर्सेस ए बेंडिंग मोमेंट इज डेवलप्ड। दिस बेंडिंग मोमेंट टेंड्स टू बेंड द बीम। तो वो क्या करेगा, जो मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है वो बीम को बेंड करेगा। तो उसको रजिस्ट करने के लिए इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप्ड होगी और वही इंटरनल स्ट्रेस जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है, इंटरनल स्ट्रेसेस, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। सो बेंडिंग स्ट्रेस कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस है जो कि ऑफर होती है बीम के अंदर। नाउ अगर हम कितने टाइप्स की होती है देखें तो बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है दो टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी सिंपल बेंडिंग और एक होती है आपकी प्योर बेंडिंग। तो बेंडिंग स्ट्रेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज सिंपल बेंडिंग एंड सेकेंड वन इज प्योर बेंडिंग। सिंपल बेंडिंग मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ आपका बेंडिंग मोमेंट ही लगता है, सिर्फ आपका मोमेंट लगता है बीम में, कोई भी आपका टोर्शन नहीं लगता है। मीन्स जिस बीम में सिर्फ मोमेंट लगेगा, टोर्शन नहीं लगेगा, तो उस स्ट्रेस को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल बेंडिंग। तो बेंडिंग स्ट्रेस सिंपल बेंडिंग कब होगा, जब वहां पे आपका कोई भी टोर्शन नहीं होगा। सो अगर सिर्फ मोमेंट लग रहा है बीम में तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल बेंडिंग। नाउ दूसरा है आपका प्योर बेंडिंग। सो प्योर बेंडिंग कब होगा, जब आपका बीम में सिर्फ मोमेंट डेवलप्ड हो रहा है, शियर फोर्स नहीं है, तो नो शियर फोर्स इन द बीम, और वहां पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है। सो जब भी आपका शियर फोर्स किसी भी बीम में नहीं रहेगा तो वहां पे आपका जो मोमेंट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, और ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे, प्योर बेंडिंग। सो दो टाइप्स होते हैं, सिंपल बेंडिंग एंड प्योर बेंडिंग। सिंपल बेंडिंग में आपका टोर्शन नहीं होता है और प्योर बेंडिंग में आपका शियर फोर्स जीरो होता है और वहां पर सिर्फ क्या लगेगा, मोमेंट, और वो मोमेंट कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है। चलिए अब हम बेंडिंग इक्वेशन डिराइव करते हैं कि हम बेंडिंग इक्वेशन जो होती है उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंडिंग इक्वेशन होती क्या है। सो एम बाई आई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल्स टू ई बाय आर। तो ये जो होती है ये हमारी क्या होती है, बेंडिंग इक्वेशन। इसमें जो एम है वो आपका मोमेंट है किसी सेक्शन पे, आई जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, आई जो है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। सिग्मा जो है ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस है, वाई जो है ये आपका डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से, ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, आर जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये टर्म क्या क्या होती है। तो एम जो है वो किसी भी सेक्शन पे आपका बीम होता है, उसमें हमने एक सेक्शन लिया है तो उसका हमने डायग्राम बनाया है। अब हम क्या करते हैं, उस सेक्शन पे क्या लगाते हैं, मोमेंट लगाते हैं। तो एम जो होता है वो आपका मोमेंट होता है, आई जो होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करें तो वो कितना हो जाता है, बी डी क्यूब बाय 12। नाउ ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा, ये आपका सेक्शन पे लग रहा है, वाई जो है तो न्यूट्रल एक्सिस से जिस भी फाइबर की हम देखेंगे वहां से वहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो वाई कहलाती है, ई आपका कॉन्स्टेंट है और आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है कहां से, न्यूट्रल एक्सिस से। तो सबसे पहले देख लीजिए ये आपका सेक्शन था, इस पर हमने क्या लगाया, मोमेंट लगाया। तो मोमेंट लगने के बाद ये जो बीम है सेक्शन है ये कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा।
तो ये हमारा क्या हो जाता है, सेक्शन हो जाता है। नाउ अगर हम पहले देखें कि ये ए सी, ये बी डी था, ये ई एफ था और ये जी एच था, तो वो आपका काय में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन आएंगे आफ्टर टेकिंग ऑफ मूवमेंट। तो हमारा ए सी क्या बन गया, ए वन सी वन, ई एफ क्या बन गया, ई वन एफ वन, जी एच क्या बन गया, जी वन एच वन, और बी डी क्या बन गया हमारा, बी वन डी वन। नाउ अब सबसे पहले इनिशियल सबकी लेंथ कितनी थी, यहाँ पे आपकी कितनी थी, डी एक्स थी, बट अब जो लेंथ होगी वो चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे मोमेंट लगने के बाद इनमें डिफॉर्मेशन आ चुका है। अब होता क्या है कि जो ऊपर के फाइबर्स होते हैं वो डिफॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स उनमें डिक्रीज होती है लेंथ में, वो जो नीचे के फाइबर होते हैं उनमें क्या होता है, इलोंगेशन आता है। बट बीम में किसी एक सेक्शन पे जो हम सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं उसमें एक फाइबर ऐसा होता है जिसमें ना तो इलोंगेशन आता है ना डिफॉर्मेशन आता है, मीन्स ना उसमें कंप्रेशन लगता है ना टेंशन लगता है, और ऐसे फाइबर को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, मीन्स वो एक्सिस जिसमें ना तो कोई टेंशन आए ना ही क्या आए, कंप्रेशन आए, तो उस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस। अब मान लीजिए इस सेक्शन में हमने न्यूट्रल एक्सिस मान रखा है ई एफ को, तो ई एफ की जो लेंथ होगी डी एक्स, वो मोमेंट लगने के बाद भी कितनी होगी आपकी, डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका, डी एक्स। तो न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसमें ना तो कोई टेंशन होता है ना ही कोई कंप्रेशन होता है। सो जैसे ही बीम में आपका मूवमेंट लगता है तो ऊपर के फाइबर कंप्रेशन में चले जाते हैं और नीचे के फाइबर टेंशन में चले जाते हैं, और एक फाइबर ऐसा होता है जिसमें ना तो टेंशन लगता है ना कि कंप्रेशन लगता है। सो चलिए आप डेरिवेशन करते हैं, कंसिडर ए स्मॉल पोर्शन डी एक्स, तो हमने ये डी एक्स कंसिडर करा है, ऑफ ए बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। अब ये जो बेंडिंग इक्वेशन है ये किसके लिए वैलिड है, प्योर बेंडिंग के लिए, मीन्स यहाँ पे आपका जो शियर फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जो आपका मूवमेंट होता है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, सो मान लीजिए आपका जो थीटा है, एंगल बिटवीन ए वन बी वन एंड सी वन डी वन, और आर को हम क्या मान रहे हैं, रेडियस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो हमने देखा यहाँ पे ये जो आपका है ये थीटा है, और यहां से ए से ई वन तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, आर, मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर आप इसकी लेंथ निकालोगे ई वन एफ वन की, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, आर थीटा, क्योंकि ये आपका रेडियस है, ये आपका आर के थीटा, तो इसकी जो लेंथ कर्व की वो कितनी हो गई आपकी, आर थीटा। चलिए अब हम ये जो हमने जी एच लिया है ये कितनी डिस्टेंस पे लिया है न्यूट्रल एक्सिस से, वाई की, ये जो हम वाई पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे बेंडिंग इक्वेशन तो वाई क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, वाई, और आपका ये कितना हो जाएगा, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी आपकी, आर प्लस वाई, और अगर इसकी लेंथ हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, आर प्लस वाई इंटू थीटा। सो ये आपका हो जाएगा आर प्लस वाई इंटू थीटा। चलिए आगे आगे देखते हैं, सो हियर ई एफ इज न्यूट्रल एक्सिस, तो हमने ई एफ को क्या लिया है, न्यूट्रल एक्सिस लिया है, लेंथ ऑफ द फाइबर ई एफ बिफोर डिफॉर्मेशन, तो पहले कितनी है वो डी एक्स है, और आफ्टर डिफॉर्मेशन वो कितनी हो जाएगी, आर थीटा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले उसकी लेंथ कितनी थी डी एक्स, और उसके बाद उसकी कितनी हो गई, आर थीटा, बट न्यूट्रल एक्सिस में ना तो डिफॉर्मेशन आता है ना इलोंगेशन आता है, तो ई एफ इजिकल्स टू कितना लिखेंगे हम, ई वन एफ वन, तो डी एक्स आपका किसके इक्वल आ जाएगा, आर थीटा के। कंसिडर अनदर फाइबर जी एच एट ए डिस्टेंस वाई, तो हमने वाई डिस्टेंस पे एक और फाइबर लिया जी एच, अब अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ देखे तो वो तो डी एक्स होगी, बट आफ्टर डिफॉर्मेशन वो कितनी हो जाएगी, आर प्लस वाई, और अगर उसमें कर्व में हम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर प्लस वाई इंटू थीटा। नाउ चेंज इन लेंथ कितना आएगा गाइस, उसमें जो ओरिजिनल है जो इलोंगेशन आया माइनस ओरिजिनल, तो आर प्लस वाई इंटू थीटा माइनस डी एक्स, अब आर थीटा प्लस वाई थीटा, और डी एक्स किसके इक्वल है आपका, आर थीटा के, तो वो हम रख देंगे आर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, वाई थीटा। सो चेंज इन लेंथ ऑफ जी एच कितना है आपका, वाई थीटा। अगर हम स्ट्रेन लिखते हैं जी एच में तो कितना लिखेंगे, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो हमको पता है कि चेंज इन लेंथ कितना है उसमें, वाई थीटा,
और ओरिजिनल लेंथ कितनी उसकी, वाई थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा से थीटा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी स्ट्रेन किसके इक्वल आ जाएगी, y बाय आर के। अब आपको पता है कि जो आपकी स्ट्रेन होती है वो किसके इक्वल होती है, e बाय सिग्मा बाय e के। आपकी जो स्ट्रेन है वो किसके इक्वल होती है, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। अगर आप कॉन्स्टेंट हटाए तो e लगेगा, तो आपका एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय ई। सो हम एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस बाय ई। और y बाय आर तो हम निकाल चुके हैं, सो स्ट्रेस बाय ई इज इक्वल्स टू y बाय आर। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे, e को ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेस बाय y इज इक्वल्स टू e बाय आर। और ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। नाउ e आपका कॉन्स्टेंट होता है, r भी आपका कॉन्स्टेंट रहेगा किसी लोडिंग के लिए, तो हम e बाय आर को कैसा मान सकते हैं, कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। सो इसको हमने क्या लिख दिया, k। नाउ अगर ये कॉन्स्टेंट है तो सिग्मा वाई वाई इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा वन डिवाइडेड बाय वाई वन। सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा वन डिवाइडेड बाय वाई वन इंटू वाई। चलिए अब जो आपका जी एच है उसके लिए हमने एरिया लिखा, तो कितना लिख सकते हैं हम, डी ए। देन शियर फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम इज गिवन बाय, तो आपका स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एफ कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। अब अगर छोटा है एरिया तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ए फिजिकल्स टू स्ट्रेस इंटू डी ए। स्ट्रेस की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, सो हमने पुट करी सिग्मा वन डिवाइडेड बाय वाई वन इंटू वाई इंटू डी ए। नाउ मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो अगर मूवमेंट निकालेंगे तो फोर्स है हमारे पास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से फाइबर की कितनी है, वाई है। तो डी एफ की वैल्यू हम ऊपर से पुट कर सकते हैं गाइस, सिग्मा वन डिवाइडेड बाय वाई वन इंटू वाई इंटू डी ए इंटू वाई। सो ये वाई क्या बन जाएगा, आपका वाई स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा, ये डी ए। अब ये जो आपका मूवमेंट है ये आपका उस फाइबर के लिए, अगर आप पूरी बीम पे निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। जब हम इंटीग्रेट करेंगे वाई स्क्वायर डी ए को, तो ये क्या बन जाएगा हमारा आई, और डी एम क्या बन जाएगा आपका एम। सो हम क्या कर सकते हैं दोनों साइड, तो आपका डी एम क्या बन जाएगा एम, और वाई स्क्वायर डी ए क्या बन जाएगा आपका आई, जो कि आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो टोटल मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज बेंडिंग मोमेंट, सो एम इज इक्वल्स टू सिग्मा वन डिवाइडेड बाय वाई वन, और ये क्या हो जाएगा, सबमिशन वाई स्क्वायर डी ए, और ये किसके इक्वल आएगा, आपका आई के इक्वल आएगा, और जो कि होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। सो यहाँ पे हम इसकी जगह आई पुट कर देंगे, सो एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा वन वाई वन इंटू आई। आई को नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा एम अपॉन आई इज इक्वल्स टू सिग्मा वन डिवाइडेड बाय वाई वन, और सिग्मा वन वाई वन कितना होता है हमारा, सिग्मा डिवाइडेड बाय वाई, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे तो एम अपॉन आई कितना हो गया, सिग्मा बाय वाई। तो ये हमारी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन। अब सेकेंड और थर्ड को देखेंगे हम, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या आई थी, सिग्मा वन वाई इज इक्वल्स टू ई बाय आर, और इधर क्या है आपका, एम अपॉन आई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई। तो अगर फर्स्ट थर्ड सेकेंड और थर्ड को देखें तो हम लिख सकते हैं एम अपॉन आई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल्स टू ई बाय आर, और ये हमारी क्या होती है, बेंडिंग इक्वेशन। तो हम इजीली इसको डिराइव कर सकते हैं। अब जो बेंडिंग इक्वेशन होती है ये किस केस के लिए होती है, आपकी प्योर बेंडिंग के लिए होती है। तो ये याद रखना कि यहाँ पे आपका शियर फोर्स जीरो होना चाहिए, मीन्स जो बेंडिंग मोमेंट है आपका वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए उस सेक्शन के लिए। अब ये जो बेंडिंग इक्वेशन है इसके कुछ अजम्पशन होते हैं, तो आपको अजम्पशन भी पूछ सकते हैं कि अजम्पशन क्या है, तो आपको अजम्पशन भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके अजम्पशंस देख लेते हैं। सो अजम्पशंस इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, तो सबसे पहला होता है कि जो मटेरियल ऑफ द बीम इज परफेक्टली होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। इसका ये मतलब है कि कोई भी कॉन्स्टेंट होता है या प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, वो आपकी कॉन्स्टेंट होगी सारे पॉइंट्स पे। होमोजीनियस मतलब कि आपका हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती है हर अलग अलग पॉइंट पे, और आइसोट्रॉपिक मतलब एक ही पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी डायरेक्शन में आप लिखोगे तो वहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, मीन्स सारे पॉइंट पे आपकी जो प्रॉपर्टी जैसे ई है तो वो आपका क्या होगा, सेम ही होगा। सेकेंड देखिए, द बीम मटेरियल ऑबेज हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ पता है आपको, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो आपका ये ओबे होगा। The value of E remains same in tension and compression. तो हमने देखा था कि जो बीम है ऊपर वाला जो फाइबर्स है वो कंप्रेशन में जाते हैं और नीचे वाले फाइबर्स टेंशन में जाते हैं,
तो वो जो ई रहेगा टेंशन और कंप्रेशन के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्ट्रेन लीनियर रहेगी, मींस अगर आप उसका वेरिएशन बनाओगे अक्रॉस द सेक्शन तो वो आपका कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा। जो आपका फिफ्थ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू अदर डायमेंशन, मींस अगर आप बी और डी देखेंगे बीम के और आप आर देखोगे तो वो आर जो है वो बहुत ग्रेटर रहेगा इन कंपेरिजन टू अदर डायमेंशन। लास्ट है आपका द बीम इज इन इक्विलिब्रियम, तो जो आपकी बीम रहेगी वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो आपको ये अजम्पशन भी ध्यान में रखना है, ये भी पूछते हैं गाइस, और आपको इनको पता भी होना चाहिए कि अजम्पशन में हम क्या लिख रहे हैं। जैसे स्ट्रेन इज लीनियर, इसका यह मतलब है कि वो जो उसका क्रॉस सेक्शन में जो वेरिएशन है वो लीनियर है। सो ये हमने अभी देखा कि जो हमारी बेंडिंग इक्वेशन होती है, बेंडिंग इक्वेशन है वो क्या होती है, एम अपॉन आई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल्स टू ई बाय आर। तो इसको हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कि बेंडिंग इक्वेशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे चैनल NK क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।